राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त तक फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहेंगी। केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर 8 नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पटना हाई कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पटना गया डोभी एनएच का 2 लेन पितृपक्ष से पहले चालू करने का निर्देश दिया। परिवहन विभाग के आदेशानुसार 1 सितंबर से पटना शहरी क्षेत्र में डीजल चलित स्कूली बसों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने जनता दरबार में नक्सल प्रभावित मोहनपुर प्रखंड के लोगों की समस्याएं सुनी। पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने गांधी मैदान को समतल करने और आसपास की सड़कों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए गया में पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। ये मेला 2 अक्टूबर तक चलेगा। शेखपुरा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता के गांव जाकर अपराधियों पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र स्थित भिखुआ 4 लेन पर बेलगाम हाईवे की टक्कर से स्कूटी सवार बीएमपी जवान की मौत। हादसे में एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए पहले स्वर्ण पदक की उम्मीद जताई। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में बनाई जगह।